हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आप भी अगर ये एक सैमसंग यूजर्स है तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे दो फीचर के बारे में, ऐसे दो एप्लीकेशन के बारे में जो शायद आपके सैमसंग स्मार्टफोन में नहीं है और आपको इसके बारे में मालूम भी नहीं है। लेकिन गाइज, आपको सबसे ज़्यादा इन दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो क्या क्या है मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी है और मैं आपको फटाफट यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस, सबसे पहला जो आप फ्यूचर है गाइस, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है जिसे आप मिस करते हैं। जैसे कि गाइस, पहले आपको अपने फ़ोन की एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए एक ऑप्शन मिलता था। जैसे कि आप सेटिंग में आते थे, एडवांस फीचर में आते थे, आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता था लॉक एंड मास्क ऐप। तो गाइस ये फीचर आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में ये फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस मेरे फ़ोन में भी नहीं था, लेकिन मैंने अब इस फीचर को लाया। तो मैंने कैसे लाया तो गाइस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को आप देखिए। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर जी आप चाहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन को लॉक करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने गैलेक्सी स्टोर में आना है। आने के बाद गाइस यहाँ पर आप सर्च करेंगे एस स्क्वायर। तो गाइस इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही सर्च करेंगे गाइस, तो आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है। उसके बाद गाइस इसे आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे गाइस, डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप आएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद गाइस आपको आना है एडवांस फीचर में। आने के बाद गाइस नीचे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर लॉक एंड मास्क ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर इनेबल करना है। गाइस इनेबल करने के बाद गाइस सिंपल इसे आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एक पैटर्न रखना है, या फिर चाहे तो आप पिन भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो देख सकते हैं सेकंड नंबर में आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक एप्लीकेशन का, तो इसमें आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे साइड में ऐड का ऑप्शन में क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आप अपने रिकॉर्डिंग में गाइस कोई सा भी एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं उसको आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने व्हाट्सअप को ले लिया और यहाँ पर डन किया। उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे आप चाहे तो ऐप लॉक टाइप में क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे अपने हिसाब से चाहे तो आप फेस लॉक भी रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं, तो चाहे तो यहाँ पे आप अपने पिन भी रख सकते हैं या फिर पासवर्ड को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ कर लेंगे। करने के बाद गाइस जैसे ही आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप है गाइस ये यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। लेकिन गाइस बात करें कि प्ले स्टोर में भी आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाता है जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। लेकिन गाइस उन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि गाइस उन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करेंगे तो जैसे कि सैमसंग के आपके स्मार्टफोन में आपको जो एडवांस फीचर में आकर के वो जो फीचर मिला आपको, तो गाइस वो फीचर आपको और किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस एस स्क्वायर जो है गाइस जो एप्लीकेशन है गाइस ये सैमसंग का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो आपको इसी को गैलेक्सी स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। अब गाइस बात करते हैं कि दूसरा वो कौन सा एप्लीकेशन है, वो कौन सा फीचर है जिसे हम लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। तो गाइस वो क्या है कि गाइस पहले की गाइस सैमसंग के स्मार्टफोन में गाइस आपको क्या मिलता था कि इस स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको एक फीचर मिलता था जिससे कि आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करते थे। जैसे कि किसी को समझाना होता है, जैसे कि गाइस खुद मैंने अभी अपने फ़ोन में स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन गाइस जैसे कि मैंने कैसे किया, जैसे कि गाइस सैमसंग के फ़ोन में तो ऑप्शन आपको मिलता नहीं है। तो गाइस आपको सिंपली से करना क्या है कि आपको आना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में, आप इसे प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक्स रिकॉर्डर नाम का एक एप्लीकेशन है। तो आपको सिंपली से सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च करना है इस तरीके से एक्स रिकॉर्डर। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और सिंपली से गाइस इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। गाइस ये गाइस काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने इसे डाउनलोड किया और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि सिंपली से गाइस इसको आप जैसे कि ओपन करेंगे, तो फिलहाल तो मैं अभी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। गाइस इसमें जैसे कि आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो आपको क्या करना है कि सिंपली से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सारा चीज़ समझ जाएंगे खुद ही कि आपको स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आने के बाद गाइस आपको रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद सेटिंग में आने के बाद गाइस कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे मैंने कर रखा है रिकॉर्डिंग में माइक्रोफोन, उसके बाद गाइस क्वालिटी वगैरह कितने में रखा है, इन चीज़ों को आप एक बार अपने हिसाब से सेव कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या क्या कर रखा है। उसके बाद गाइस चाहे तो इन एप्लीकेशन में आप कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्रश में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे कि ब्रश में मैंने क्लिक किया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि इस जगह को क्लिक करके ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने के बाद आप चाहे तो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि वो आखिर कौन सी दो एप्लीकेशन थी जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।